हेलो दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिंदी का मोस्ट टॉपिक नागरिक लिपि से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल को लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें आशा है कि आप लोग हमारे चैनल को देखे होंगे और देखते होंगे भी। हमारे चैनल को आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो इसी प्रकार के आप लोगों को पास और बेहतर से बेहतर मिलता रहे। और किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो किसी सब्जेक्ट में तो आप प्लीज़ बताएं, ताकि आप लोगों के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मददगार बन सके। तो देखिए, चलिए आज देखते हैं नागरी लिपि, एक क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव नागरी लिपि से लाए हैं, जिसमें नंबर वन सवाल जो है वो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, आपसे पूछ देगा कि बताइए नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक जो हैं वो गुणाकर मूल्य हैं। तो आपको याद भी हो गया होगा कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य हैं। क्वेश्चन दूसरा देखें, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो आपको याद भी हो गया, निबंध। यानी कि आपको याद रखना है नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो वो जो है वो निबंध है। क्वेश्चन तीसरा देखें, भारतीय लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले। तो आपको याद रखना है कि लिपि के आरंभिक जो लेख था वो दक्षिण भारत से मिला है। तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, नागरी लिपि के टाइप कब बने। तो आपको याद रखना है कि नागरी लिपि के टाइप जो बना वो लगभग दूसरी सदी में बना था। एक बार देखिए, नागरी लिपि के टाइप कब बना था। तो आपको याद रखना है लगभग दूसरी सदी में नागरी लिपि के टाइप बना था। पांचवा सवाल देखिए, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। तो आपको याद रखना है 11वीं सदी में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलना शुरू हो जाता है। तो वह सदी जो है वही 11वीं आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर छः देखिए, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं तो 11वीं सदी जो है। इसके बाद सातवां देखिए, छठा देखिए, नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख किस प्रदेश में मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि दक्कन प्रदेश था, उसमें सबसे ज़्यादा नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख मिला है, तो वह है दक्कन प्रदेश। सातवां देखिए, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती थी। तो आपको याद रखना है कि देवनागरी लिपि में सबसे ज़्यादा जो भाषा लिखी जाती थी वो हिंदी, नेपाली और मराठी थी। हिंदी, नेपाली और मराठी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आठ देखिए, कलिंग लिपि भारत के किस देश प्रदेश में लिपि थी। तो आपको याद रखना है कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश में, तो आपको उड़ीसा प्रदेश याद रखना है कि कलिंग लिपि उड़ीसा से संबंधित है। फिर से एक बार देखिए, कलिंग लिपि किस राज्य से संबंधित था, तो उड़ीसा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर नौ देखिए, हिंदी तथा इसके विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है। ये बोलियाँ है, बिलियाँ लिखा गया है, इसको बोलियाँ देखिएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको याद रखना है कि देवनागरी में लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 1935 में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में। 11वां सवाल देखिए, गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं। तो आपको याद रखना है गुणाकर मूल्य जो है वो नागरी लिपि के रचयिता हैं। फिर से एक बार देखिए, गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं।
याद रखना है, गुनाकर बुल्ले नागरी लिपि के रचयिता हैं, निबंध के लेखक हैं। तो आपको याद रखना है निबंध के लेखक जो है वो गुनाकर मुल्ले हैं। निबंध के लेखक कौन हैं तो आपको याद रखना है गुनाकर मुल्ले। दोहा कोश किसकी रचना है तो सरहपाद की है, याद रखना है। दोहा कोश किसकी रचना है कोई पूछेगा, दोहा कोश किसकी रचना है तो सरहपाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गणित सार संग्रह के रचना किसने किया तो आपको याद रखना है कि गणित संग्रह की रचना जो करने वाले थे वो महाविचार्य थे। कौन थे? महाविचार्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक रचयिता कौन है तो आपको याद रखना है भारतीय लिपियों के पुस्तक रचयिता जो हैं वो गुनाकर मुल्ले हैं। कौन है? गुनाकर मुल्ले। तो हमारा चैनल आप लोग को, चैनल में जो वीडियो बन रहा है वो अच्छा होगा, लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार का वीडियो हम बनाते रहें। जय हिंद।